सर, मेरा नाम पंकज जाखड़ है और आज हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी C207 के फर्स्ट यूनिट सीमेंट के फिफ्थ यूनिट टेस्टिंग और सीमेंट के फोर्थ लेक्चर में हैं। तीन लेक्चर हमने पढ़ लिए। लास्ट लेक्चर में हमने पहले पढ़ा था कंसिस्टेंसी टेस्ट। कंसिस्टेंसी टेस्ट में बेसिकली हम क्या करते हैं, वो पानी का प्रतिशत या वो अमाउंट ऑफ वाटर पता करते हैं परसेंटेज में, जिससे क्या होता है सीमेंट का हाइड्रेशन कंप्लीट हो या कंप्लीट हो जाए। मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, न्यूनतम जल प्रतिशत हुआ जिससे हाइड्रेशन या केमिकल रिएक्शन पूरा हो जाए। अगर हमारा पानी इससे कम होगा तो क्या होगा, हाइड्रेशन पूरा नहीं होगा और कुछ ना कुछ सीमेंट अनहाइड्रेट रह जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी। अगर इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो स्ट्रेंथ में काम नहीं आएगा उस पानी के, दूसरे यूज हो सकते हैं, वर्केबिलिटी के लिए हो सकता है और पंपिंग के लिए हो सकता है, और भी कई मेथड हो सकते हैं, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। पर स्ट्रेंथ जो होता है वो कंसिस्टेंसी से ही पता लगती है। स्ट्रेंथ के लिए इतना ही पानी काम लिया जाता है। देखा था वो होता है विकेट अपरेटस यूज करते हैं। देखिए विकेट अपरेटस हो गया, नीचे जाता है, ठीक है, तो जिस लेवल जितने परसेंटेज पे 30 to 35 के आसपास ऊपर से नीचे जाए, ऊपर से जैसे जाएगा तो जैसे जैसे पानी बढ़ाएंगे हम क्या होगा, वो गाढ़ा कम होता रहेगा उसकी, और गाढ़ा कम होगा तो उससे क्या होगा, इससे हमारा ये काम चालू हो जाएगा। अब हम प्लंजर कंसिस्टेंसी के लिए ये हम देख रहे हैं, ये अलग अलग निडल वाली ये इनिशियल सेटिंग टाइम है, फाइनल सेटिंग टाइम के लिए होती है, ये हम आगे देखेंगे। सेटिंग टाइम क्या होता है, सीमेंट में पानी मिलाते हैं और सीमेंट में पानी मिलाते हैं, सीमेंट में बेसिकली ड्राई सीमेंट में क्या होता है, हमारे C4S, C3AF, C3A, ये चारों कंपाउंड होते हैं बेसिकली मेजर, बाकी माइनर होते हैं। इन सब के साथ पानी मिलाते ही क्या होता है कि पानी मिलाते ही केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जेल बनता है, एक जेल फॉर्म में बनता है और वो उस जेल की बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती है और वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। और इनिशियली क्या होता है, जब पानी मिलाते हैं तो सीमेंट काफी प्लास्टिक होती है, ठीक है, सुगट्टी होती है, और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे रिएक्शन होते जाते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलती जाती है, हाइड्रेशन होता जाता है, जलयोजन, उसके साथ ये प्लास्टिसिटी कम होने लग जाती है और एक समय आता है उसके बाद यह ठोस होनी प्रारंभ हो जाती है, ठीक है, मतलब इसकी प्लास्टिसिटी कम हो जाती है। तो इस प्रोसेस को पूरे को, जो प्लास्टिसिटी कम होना और ठोस होने का प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं, सेटिंग टाइम, मतलब सेट हो गया, वो अपनी जगह पे जम गया, ठीक है, जमाव काल या सेटिंग टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर यूज के लिए। अगर हम इन सेटिंग टाइम हमें नहीं पता है, इसकी कैलकुलेशन में गलती की हमने, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। प्रारंभिक जमाव काल वो होता है जिसमें हम सीमेंट को किसी भी रूप में ढाल सकते हैं और उसके सामर्थ्य में कमी नहीं, मतलब वो टाइम जब तक हम सीमेंट के किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं उसको, एक से दो, दूसरे तीसरा, तीसरे चौथा, उसके स्ट्रेंथ में कमी नहीं हो। नॉर्मली हम प्लास्टर करते हैं तो क्या करते हैं, पहले प्लास्टर हम दीवार पे लगाते हैं और उसको फिर लेवल करते हैं, लेवल करते हैं तो एक्सेस जो प्लास्टर होता है क्या होता है, जमीन पे गिर जाता है, उसको हम लेके वापस यूज करते हैं। तो वो तब तक यूज कर सकते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम के बाद यूज करेंगे तो क्या होगा, वो प्लास्टर उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये इनिशियल सेटिंग टाइम है, उस टाइम के दौरान ही हम उसको यूज करें, ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा प्रारंभिक जमाव काल, इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है। ये कि भी ये वो टाइम होता है जिसके बाद सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी खो देता है, खोना चालू कर देता है, मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम में पूरा प्लास्टिक रहेगा, इसके बाद धीरे 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 प्लास्टिसिटी खोदना चालू कर देता है, और जो नेक्स्ट है फाइनल सेटिंग टाइम में अंतिम जमाव काल, उसमें वो प्लास्टिसिटी पूरी तरह खो देता है। ये एक डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि ये वह समय है जब जल मिलाने के बाद, पानी मिलाने के बाद सीमेंट अपने स्थान पर रखने के बीच, मतलब सीमेंट में पानी मिला दिया हमने और उसको अपने जहां पर रखना है, उसको पोजिशन कर दिया, उसके बीच का समय है और जिसमें उसकी स्ट्रेंथ कम नहीं है, वो इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं। ये सारी ही है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो OPC का इनिशियल सेटिंग टाइम लगभग 30 से 60 मिनट के बीच, फाइनल सेटिंग टाइम होता है अंतिम जमाव का, यह वो समय होता है जिसमें सीमेंट अपनी सुगठितता पूरी तरह खो देता है, ठोस हो जाता है, मतलब क्या होता है, अब इसमें कोई प्लास्टिसिटी नहीं रही, इसके फॉर्म को कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर फिजिकली हमें देखना है, हम नाखून लेके उस पर सीमेंट पे स्ट्रक्चर पे जो मोर्टार उस पर लगाएंगे और उसमें नाखून का निशान नहीं बनता, तब तब क्या हो गया, फाइनल सेटिंग टाइम हो गया। उससे पहले का समय है जो वो इनिशियल सेटिंग टाइम या इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम के बीच का हो सकता है, मतलब क्या हो गया, इसके बाद ये ठोस हो गई, इसके बाद इस पर अपन वापस स्ट्रेंथ लेना, लोड लेना चालू हो जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है।
तो नॉर्मली 10 से 10 घंटे के आसपास, 600 मिनट या 10 घंटे, ठीक है, इस टाइम में सीमेंट पूरी तरह, ठीक है, और इसका टाइम फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट। अब आता है स्ट्रेंथ टेस्ट। हमें स्ट्रेंथ दिए सब 33 ग्रेड सीमेंट, 43 ग्रेड सीमेंट, 53 ग्रेड ओपीसी पीपीसी। तो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है सीमेंट या सामर्थ्य परीक्षण। तो सीमेंट के स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे करेंगे अपन, तो ये बहुत जरूरी है। अगर हमें पता लग रहा है सीमेंट दिए क्या दिया है, बाकी सारे टेस्ट में फेल हो गए, पर स्ट्रेंथ हम देखते हैं क्या होता है विद इन बेस्ट यूज विद इन 3 मंथ। तो 3 मंथ के बाद क्या होगी, स्ट्रेंथ कम होनी चालू आ जाएगी। तो स्ट्रेंथ हम कैसे चेक करेंगे, सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए ये मेथड होता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि विकेट अपरेटस आ गया हमारे, उसमें इनिशियल, ये इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए होता है, ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम का प्लान देना। इसमें क्या है, ऊपर से 5 से 10 ml के बीच जाता है तब तक इनिशियल सेटिंग टाइम है। जैसे प्लास्टिसिटी कम होती जाती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, तो ये अंदर जाना कम हो जाता है। ये जो निडल है बहुत ही एक अलग सा है, ये मार्क बनाता है, एक्चुअली नीचे मार्क है, तो ये फाइनल सेटिंग टाइम का है। ये तब ये अपन सीमेंट पे रखते हैं, मार्क बनता है तब तक वो फाइनली सेट नहीं हो, मार्क बनना खत्म हो जाता है, मार्क नहीं बनता है तो क्या हो गया, ये फाइनल सेटिंग टाइम का टेस्ट है कि उसके बाद फाइनल सेट टाइम हो गया, अपना फाइनली सेट हो गया सीमेंट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को पता करने के लिए अपन क्या करते हैं कि एक मोर्टार के सीमेंट के क्यूब बनाते हैं जिसकी साइज 7 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर का क्यूब बनाते हैं, ठीक है। अब इस क्यूब को बनाने का मान लीजिए सीमेंट को हम टेस्ट कर रहे हैं, एक जोधपुर में कर रहे हैं, एक नागालैंड में कर रहे हैं, एक चेन्नई में कर रहे हैं, ठीक है। सीमेंट बन के आई हमारी हिमाचल से। अब ये तीनों जगह पे रॉ मटेरियल हमारे अलग अलग है, पानी अलग अलग है, रॉ मटेरियल मतलब सीमेंट के अलावा बजरी अलग है, उसका भी कुछ इफेक्ट होगा, पानी होगा उसका कुछ इफेक्ट होगा। तो पानी के लिए हम क्या करते हैं, पानी वो यूज करते हैं जो ड्रिंकेबल वाटर हो, पोर्टेबल वाटर हो, मतलब क्या पीने योग्य पानी है, वो अपन कंक्रीट में यूज करेंगे, खारा पानी यूज नहीं करेंगे, जो हम नहीं पी सकते वो पानी यूज नहीं करना है, पानी यूज करें। इसके अलावा जो सैंड है जो बजरी यूज कर रहे हैं, वो एक स्टैंडर्ड सैंड यूज करेंगे, हर कोई सैंड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या स्टैंडर्ड सैंड क्या होती है, बेसिकली स्टैंडर्ड सैंड क्या है, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड की है ये सैंड होती है, ठीक है, और ये 3 ग्रेड में आती है। ये आप देखेंगे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ये देखेंगे, और ये ग्रेड 3। इन तीनों को हम रेशियो में मिलाते हैं 1:1:1 के रेशियो में, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब टाइप 1 ग्रेड 1 क्या होगा, ग्रेड 1 सीमेंट में हम देखेंगे पार्टिकल साइज एंड ग्रेटर देन 2 mm एंड ग्रेटर, ठीक है, 2 mm से बड़ा है और 10 mm से छोटा होगा, 4.75 mm से छोटा होता है, ठीक है। टाइप 2 क्या है, 1 mm एंड ग्रेटर देन 0.4, मतलब 0.5 और 1 के बीच की है, ठीक है, ये 2 और 10 के बीच की है। और टाइप 3 है क्या है, 1 mm एंड ग्रेटर देन 0.3, ठीक है, ये दिख रहा है लगभग 0.3 नहीं, पॉइंट ये होती है पॉइंट, सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी होती है टाइप 3, फिर आती है टाइप 2, फिर आती है टाइप 1, ठीक है, ये कोर्स होती है, ठीक है। ये 25 किलो का बैग आता है, इस एक बैग की कीमत लगभग हमारे 25 किलो बैग की कीमत होती है लगभग हमारे 1300 रुपये। ये स्टैंडर्ड सैंड चेन्नई से बन के आती है, एक ही जगह पूरे इंडिया में एक ही जगह बनती है, आप देखोगे पता करोगे, इंडियन स्टैंडर्ड सीमेंट, इनका साइज फिक्स है। तो हम क्या करते हैं, 1:4 का रेशियो ले, 1:3 का रेशियो ले, मतलब 1 बाई वेट लिया, 1 kg सीमेंट लिया, ठीक है, उसमें उस 1 kg सीमेंट प्लस 1 kg क्या है टाइप 2 ग्रेड 2, 1 kg ग्रेड 1 और 1 kg ग्रेड 3, ये तीनों स्टैंडर्ड सैंड ही यूज करेंगे, ठीक है, दूसरी सैंड यूज नहीं करते हैं। तो आजकल क्या होता है, कई बार हमारे स्टैंडर्ड सैंड अवेलेबल नहीं होती, तो हम उसकी साइज के अनुसार चेक करके हम ये ले लेते हैं, ठीक है। और ये ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया कि इसके बाद ये तीनों सैंड यूज कर लिया हमने, उसमें पानी मिलाते हैं, जो अपन क्या करते हैं, पानी हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट है, उसको हम लेके करते हैं, मतलब पी परसेंटेज स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट का पर्पस यूज यहाँ पर भी है, ठीक है।
इसके स्पेसिमेन के हम क्या किया, स्पेसिमेन के हमने सांचे बनाए, क्या हो गया 7 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर, ये स्पेसिफिक ले, एग्जैक्ट ले दो, 7.06 mm, 7.06 mm बाय 7.06 क्यूब बनता है, ये क्यूब बनाते हैं हम। उसके बाद क्या करते हैं, बनाने के बाद इनिशियल सेट, फाइनल सेटिंग टाइम मतलब 10 घंटे बाद हम उसको पानी में डुबो देते हैं लैब में, और बनाने के बाद क्या करते हैं अपन इसको कॉम्पैक्शन के लिए वाइब्रेटिंग टेबल लैब में होती है उसको यूज़ करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, उसके बाद अपन उसको पानी में डाल दिया। तो नॉर्मली क्या होता है, 7 डे 28 डे टेस्ट होता है सीमेंट का हमेशा, मतलब 7 दिन बाद उसकी स्ट्रेंथ कितनी आई और 28 दिन बाद स्ट्रेंथ कितनी आई। तो जो 7 दिन की स्ट्रेंथ है उसको OPC में हम 70% स्ट्रेंथ मानते हैं, ठीक है, और 28 डे स्ट्रेंथ है फाइनल स्ट्रेंथ, फाइनल स्ट्रेंथ है 28 दिन तक जो स्ट्रेंथ गेन कर ली वही अपन फाइनल मानते हैं, ठीक है। तो दो टेस्ट होते हैं, तो 7 डे स्ट्रेंथ इसलिए यूज करते हैं, तो 28 दिन तक एक बार सीमेंट आया आपके पास, मान लीजिए आपने टेस्ट किया क्यों बनाया, तो आप 28 दिन तक वेट नहीं करो रिजल्ट आने का चेक करने के लिए, तो हम क्या करते हैं 7 डे 3 डे स्ट्रेंथ भी करते हैं आजकल। तो हर बार के लिए एक बार टेस्ट करने के लिए अपन एक क्यूब यूज नहीं करेंगे, 3 सैंपल बनाएंगे, तीनों का एवरेज लेंगे, क्यों, एक बनाते हैं हम सैंपल तो उसमें एरर के हमेशा चांसेस रहते हैं कि गलती होगी, कॉम्पैक्शन ठीक से नहीं हुआ, मिक्सिंग ठीक से नहीं हुआ, ठीक है, सीमेंट कम हो गया, ज़्यादा हो गया, यूनिफॉर्मिलिटी, 3 का एवरेज इसलिए लेते हैं। तो 28 दिन के लिए 3, 7 दिन के लिए 3 और 3 दिन के लिए 3, तो कितने टोटल 9 क्यूब बनाएंगे हम। तो उनके 9 क्यूब बनाते हैं, उनको पानी में लगातार भिगोए रखते हैं, जिस दिन अपने यूज करना है टेस्ट करना है उसके 1 घंटे पहले निकालते हैं, 1-2 घंटे पहले सुखा लेते हैं, फिर उसको कंप्रेशन मशीन पे यूज़ करते हैं। तो हमारे एरिया पता है इसका एरिया, और जितना लोड ऊपर से लोड लगेगा कंप्रेशन मशीन में, तो जितने पे फेल हुआ है हमें वो पता लग जाएगी, ये हमारा स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो 33 ग्रेड सीमेंट है, मतलब उसकी 28 डे स्ट्रेंथ कितनी आनी चाहिए, 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 43 उसकी 43, 53 है उसकी 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये टेस्ट है, तो ये नहीं है कि हमें 53 कह के उसने 33 ग्रेड सीमेंट दे दी। तो ये सीमेंट का ग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि RCC स्ट्रक्चर डिजाइन पूरा इस पर डिपेंडेंट है। तो ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट में से एक है, और ये सीमेंट का टेस्ट के रिजल्ट भी वेरी करेंगे अलग अलग सीमेंट टाइप से। जैसे मान लीजिए हम PPC यूज कर रहे हैं, तो PPC और OPC यूज कर रहे हैं, तो उसकी 28 डे स्ट्रेंथ सेम आएगी, ठीक है। PPC नॉर्मली अपन 43 ग्रेड की होती है, 43 ग्रेड के आसपास होती है, ठीक है। तो 40 पर क्या होगा, 7 डे स्ट्रेंथ है वो OPC की कम आएगी, ज़्यादा आएगी, और PPC कम आएगी, क्यों, PPC में क्या होता है C2S ज़्यादा होता है, C3S कम होता है, इनिशियल जो स्ट्रेंथ होती है PPC की कम होती है और OPC ज़्यादा होती है, फाइनली 28 डेज में जाके हम क्या कर रहे हैं, सेम स्ट्रेंथ हो जाती है। इस तरह रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की क्या 3 डे स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, 70-80% हो जाएगी, ठीक है। और लो हीट है सीमेंट अपन ने देखी थी, तो उसमें भी वही होगा कि 7 डे में स्ट्रेंथ कम आएगी, PPC की तरह ही होगी। तो ये सीमेंट की स्ट्रेंथ, एक तरह से अपन सीमेंट की टाइप चेक करने का भी एक मेथड हम मान सकते हैं, क्रूड मेथड है वैसे, कि भाई कैसे कैसे उसका स्ट्रेंथ आ रहा है, हम उसका चेक कर रहे हैं, ग्राफ से प्लॉट कर रहे हैं, फिर हमें पता लग गया ये कौन सी सीमेंट है। मान लीजिए हमारा सीमेंट के मार्किंग हमें डाउट है कि भाई ये कौन सी सीमेंट है, खट्टे में कोई और भर के लाए, एडल्ट्रेशन करके लाए, कुछ भी हो सकता है, तो उसको टेस्ट करेंगे तो देखेंगे, हाँ ऐसा नहीं है कि मैं PPC सीमेंट दे दी OPC कह के, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कई बार, जहाँ हमें जल्दी स्ट्रेंथ गेन करनी है, धीरे धीरे स्ट्रेंथ, हम चाहते हैं 7 डे में 70 डे स्ट्रेंथ आ जाए, और PPC की 7 डे में सिर्फ 50% स्ट्रेंथ ही आएगी। तो मैं एग्जैक्ट क्रूड मेथड ये भी एक पता करने का, तो ये बनाते हैं हम, और बनाते समय हम सबसे पहले करते हैं कि सीमेंट के क्यूब को सेट होते ही है ना, 10 घंटे बाद पानी में डालने से पहले हम हमेशा उस पर डेट लिख देते हैं, डेट ऑफ कास्टिंग, जैसे आज है 5 अक्टूबर 2020, तो 05/08/20 परमानेंट मार्कर से लिखते हैं। ये क्यों लिख रहे हैं कि कई बार क्या होता है, हम पानी में जहाँ क्योरिंग कर रहे हैं, जो उसको मिला रहे हैं, और कई सारे सीमेंट के और कंक्रीट के क्यूब हो सकते हैं, तो आपस में 5 दिन बाद पता नहीं लगे, आपके अलावा किसी और ने भी डाले हैं, तो इंटरमिक्सिंग हो जाएगी। तो हमें डेट तो पता है, हमने रजिस्टर में लिख के रखते हैं हमने इस तारीख को डाले थे, तो हम डाले हैं, हमारे पास एक आपके फ्रेंड है उसने भी डाले हैं, किसी और 2-3 लोगों ने भी डाले हैं लैब में अलग ग्रुप आते हैं, तो आपका कौन सा है उसको पता करने के लिए हम क्या है उस पर डेट लिख देते हैं। आजकल मार्कर यूज़ करते हैं, पहले क्या करते थे लोग तीली से यूज़ करते थे, तीली लेते थे, तीली से मार्किंग कर देते थे वायर से, तो ये मेथड हैं यूज़ करने के और पता करने के, ये स्ट्रेंथ के। ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू, और आपको कोई भी डाउट है pankajjakhad@gmail.com ईमेल आईडी है, इस पर पूछ सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, और मेरे जहाँ तक मेरी कोशिश है डबल लैंग्वेज में इनको बनाया गया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इनकी PPT भी साथ में गूगल ड्राइव लिंक आपको दे रखा है,
पीडीएफ फॉर्म में भी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हैं, तो आप जो जिसमें सुविधा है आप उसमें पढ़ सकते हैं।